दोस्तों यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जो चैनल है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टीनू कैट्स टीवी, टीनू कैट्स टीवी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपको 33 वीडियो यहाँ पर दिखाई देगा ठीक। और यहाँ पर इनका सब्सक्राइबर देखिए, यहाँ पर जो 50 लाख है, 50.7 लाख इन्होंने इतना सब्सक्राइबर इन्होंने पुका लिया, सिर्फ 33 वीडियो इन्होंने अपलोड किया ठीक। और यह वीडियो क्या अपलोड करते हैं, चलिए मैं इसका कोई एक वीडियो मान लिया, कोई एक वीडियो ओपन करता हूँ ठीक। तो मान के फिलहाल के लिए हम जैसे कोई एक जैसे इसका एक वीडियो ओपन किया ठीक, इस वीडियो पर मैंने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर देख लिया कि गाड़ी एक घर से निकला एक जेसीपी, और ये जेसीपी जाकर डायरेक्ट यहाँ कहीं देखेगा कहीं रोड पर कहीं टूटा उटा होता है वहाँ पर इसका रिपेयरिंग करेगा ठीक। इस तरह इसमें बैकग्राउंड इसका म्यूजिक होता है अलग, ये इस ऐप में आपको मिलेगा ठीक। यहाँ तक यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है इसमें, नहीं कुछ नहीं, इसका आवाज़ सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक अलग से रहता है ठीक। जैसे कि जिस गाड़ी का आवाज़ होगा उसी तरह आपके अंदर आवाज़ भी मिलेगा बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक, नहीं इसमें पूरा आवाज़ रहता है ठीक। और नहीं हमें इसमें बोलना है और नहीं अपना फेस दिखाना ठीक, और इस तरह आपको भी वीडियो बनाना है ठीक। तो इस तरह वीडियो बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए एक ऐप, तो उस ऐप के लिए सबसे पहले आप अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए ठीक। तो मैं सबसे पहले अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लिया, गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद जो ये वाला ऐप आपको दिखाई दे रहा है लियो एंड कार्स, ये वाला ऐप का करना आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना ठीक। तो मैं पहले से प्ले स्टोर डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मेरा प्ले का ऑप्शन दे रहा है ठीक। तो सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ठीक। तो मैं प्ले वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ ठीक। प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मेरा हल्का सा लोडिंग लगता है ठीक, और लोडिंग लगने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस खुल कर अपने सामने आएगा ठीक। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो म्यूजिक आएगा ठीक, तो म्यूजिक का करना यहाँ पर जो आपके यहाँ पर एक यहाँ पर म्यूजिक रहने देना ठीक। आपको यहाँ पर लोडिंग का ऑप्शन लगेगा ठीक, इसे यहाँ पर लोडिंग होने देना ठीक। यहाँ पर हल्का लोडिंग होने में समय लगता है ठीक, तो इसे लोडिंग होने देना ठीक। जैसे हल्का लोडिंग हो जाएगा उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस खुल करके अपने सामने आएगा, इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो उसके बाद क्या करना, यहाँ पर जो सही का ऑप्शन होगा सही वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना ठीक। सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना ठीक। प्ले वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया, प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कोई यहाँ पर अपना गेम यहाँ पर कोई सेलेक्ट करना ठीक। तो गेम सेलेक्ट कर लेना, और गेम सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, यहाँ पर जो गेम सेलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके और ऊपर जो यहाँ पर एरो का ऑप्शन होगा इस एरो वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना ठीक। हमने एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो आपका जिस तरह आपका जेसीपी होता है उस तरह का करना, एक एक पार्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना ठीक। तो आपको यहाँ से एक एक पार्ट का करना, यहाँ से सेलेक्ट कर देना ठीक। यहाँ से कोई भी जैसे जिस तरह जेसीपी कर रहा था उस तरह पार्ट आपको एक एक करके पूरे को क्या करना, यहाँ से सेलेक्ट कर देना ठीक। तो हम क्या करते हैं एक एक करके सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको भी इस तरह एक एक करके क्या करना, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ठीक। तो मैं सबसे पहले एक एक करके सबको क्या करना, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक एक करके सबको क्या करना, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना ठीक। तो मैंने एक एक करके सबको सेलेक्ट कर लिया, इस तरह का क्या करना, एक एक करके सबको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना ठीक। तो हम यहाँ सबको सेलेक्ट कर लिए, और जब सबको सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद क्या करना है आपको, जब सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद में यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा ठीक। अब यह चालू होगा ठीक, इसमें म्यूजिक आएगा ठीक। तो इस म्यूजिक का करना, म्यूजिक को रहने देना ठीक। और यहाँ पर क्या करना है, इस समय जब म्यूजिक जब प्ले करना है तो उस समय स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना ठीक, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ठीक, जिस समय आपका गेम प्ले होगा और जिस समय आप गेम प्ले करेंगे उस समय जब मोबाइल के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना ठीक। तो मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हूँ, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद क्या करना, यहाँ पर जो आपका नीचे दिखना है यहाँ पर एरो का ऑप्शन दिखाई देगा ठीक। तो इस एरो वाले पर क्या करना है आपको दबा के रखना है ठीक, और इसको क्या करना है एरो पर दबा के रखना है, इसे यहाँ पर चलने देना ठीक। और यहाँ पर क्या करना है, कहीं दोस्तों बीच बीच में कहीं से बोलना है ठीक, यहाँ पर इस एरो वाला दबा के रखना है यहाँ पर। अब क्या करना है वो स्टार्टिंग यहाँ पर देखना है, और उसका कहीं यहाँ पर स्टार्टिंग होगा ठीक। और इसे क्या करना है, कहीं के मैं मान के बीच में कहीं खराब हो जाता है, तो बीच में कहीं कहीं खराब हो जाता है वहाँ क्या करना है इसे रिपेयरिंग करना ठीक। यहाँ पर इसे पहले क्या करना, यहाँ पर रखना है ठीक, यहाँ पर दबा के रखना है, और बीच बीच में कहीं यहाँ खराब होगा यहाँ पर रोक देना ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर ठीक, इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्या करें वो अपना यहाँ पर रिपेयरिंग करेगा ठीक। इस तरह आपको रिपेयरिंग करेगा, इस तरह रिपेयरिंग उन्होंने कर लिया ठीक। और रिपेयरिंग करने के बाद यहाँ पर साइड में आएगा ठीक, उसके बाद जो यहाँ पर लगा हुआ है एक प्लस है वो क्या करें वहाँ से वापस होकर चला जाएगा ठीक। इसमें क्या करना, वो मेरा खराब हो गया, इसका क्या करना, यहाँ रोड खराब था इसलिए मेरा खराब हो गया ठीक। फिर क्या करना, यहाँ पर वो यहाँ पर एरो का ऑप्शन दिखा देगा, इस पर दबा कर रखना ठीक। और बीच बीच में क्या कर, कहीं बोल देना है कि वो फिर से इसे रिपेयरिंग करवा, रोड को रिपेयरिंग करवाना होगा ठीक। दोस्तों कहीं कहीं बीच में इसमें थोड़ा बोलना है, कि ज़्यादा नहीं बोलना है, बीच बीच में कहीं कहीं बोलना है ठीक। क्योंकि लोग बच्चे लोग ऐसे गेम देखते हैं ना, तो उसमें कहीं हल्का हल्का आवाज़ रहता है ना, तो उसको देखने में अच्छा लगता है, मन लगता है ठीक। तो फिर इसे स्टार्ट करना है, फिर इसे यहाँ एरो वाले ऑप्शन पर इसे दबा के रखना ठीक, और फिर इसे चलने देना ठीक। और बीच में जहाँ खराब होगा यहाँ क्या करना, वो अपना रिपेयरिंग करने वाला वहाँ पर रिपेयरिंग करेगा ठीक। इसी तरह आपको क्या करना है, 10 मिनट 15 मिनट का इस तरह कर करके आपको वीडियो बना लेना ठीक, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ठीक। तो इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने यहाँ सर वीडियो बना लिया, और वीडियो बनाने के बाद करना है इसे एडिटिंग करना ठीक। तो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पास कोई एक ऐप ओपन करना है, जैसे मैं काइनमास्टर VN ऐप, आप जिस ऐप से एडिट करते हैं तो वो ऐप क्या करना है यहाँ पर ओपन करना ठीक। तो मैं सबसे पहले अपना काइनमास्टर से एडिट करता हूँ, तो अपना काइनमास्टर ओपन कर लेता हूँ एडिटिंग करने के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर काइनमास्टर ओपन कर लिया, काइनमास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है,
प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद हमें फुल वीडियो बनाना है, ठीक, हमें लॉन्ग वीडियो बनाना है, ठीक। तो लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर 16:9 पर क्लिक करना है, ठीक, 16:9 पर क्लिक करना है। 16:9 पर क्लिक करने के बाद में जो आपका जहाँ भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने किया है तो अपना क्या कहें स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक। तो मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो किया हूँ वो क्या करते हैं आप अपना सेलेक्ट कर लिया, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है इस पर आ जाना है, ठीक, इस वीडियो पर आ जाना है, ठीक। और इसको क्या करना है यहाँ पर इस पर क्लिक करके और इसका आवाज़ का यहाँ से बढ़ा देना है, ठीक, अपने अनुसार जितना रखना चाहते हैं उतना आवाज़ रख देना, ठीक, उतना रख देना है। रख देने के बाद क्या करना है इसे यहाँ पर जो आपको इससे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर दिखा होगा जूम आउट का ऑप्शन लिखा दिखाई देगा आपको, ठीक। तो इस जूम आउट पर क्लिक करना है, ठीक। और जूम आउट पर क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको इसे इस इक्वल टू वाले ऑप्शन पर यहाँ पर इक्वल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसका करना हल्का हल्का अपने अनुसार इसे जूम कर देना है, ठीक, हल्का हल्का जूम कर देना है। जूम करने के बाद यहाँ पर राइट वाले पर क्लिक करके और इसे फिर से यहाँ पर प्ले करके देखना है, ठीक। यहाँ पर जूम वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया और जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ प्ले वाले ऑप्शन पर देखना है कि किस तरह चल रहा है, ठीक। इस तरह आपको क्या करना है यहाँ पर प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देखना है, ठीक। तो दोस्तों देख लिया कि मैंने किस तरह यहाँ पर वीडियो बनाया था और किस तरह इसका रिकॉर्डिंग भी किया था और इसको जो फुल स्क्रीन में करके और इसी तरह को प्ले करके यहाँ पर चला रहा है, ठीक। और इसी तरह आपको भी एडिटिंग कर लेना है, रिकॉर्डिंग कर लेना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं अपना वॉइस उसमें ऐड कर देना, ठीक। कहीं जैसे मतलब खराब हो जाता है, कहीं ना कोई कुछ भी चलाते तो खराब हो जाता है, उसमें हल्का मिस्टेक आ जाता है, वो कैसे ऐसे कोई कहीं कहीं बीच में बोल देना है, ठीक। इस तरह आप करके आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर लेना है, यहाँ पर काइन मास्टर में वीडियो को यहाँ पर एडिटिंग कर देना, ठीक। और इसे क्या करना है यहाँ पर इसे इसमें क्या कैटेगरी भी क्या रखेंगे और इसका थंबनेल भी कैसे बनाएंगे वो भी बता दूंगा, ठीक। तो क्या करना, मान के ये वीडियो यहाँ पर गेमिंग चल रहा है, ठीक। तो इस तरह आपको क्या करना है यहाँ पर आ जाना है बीचों में, ठीक, यहाँ पर जैसे आ गया, ठीक, और यहाँ पर आ गया, ठीक। और बीचों बीच में क्या जब यहाँ पर आ जाएगा दोनों तो उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको एक इकट्ठा कर देना बीच में, जहाँ इसमें अपना इसमें ये लिखावट कहीं लिखना नहीं है, कलम पेन से लिखते हैं जो एडिट कर टेक्स्ट पर लिख के, इसमें कुछ नहीं लिखना है क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पर लिखावट नहीं देखते, यहाँ पर सिर्फ फोटो देखते हैं, फोटो देखकर कोई वीडियो पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर कैप्चर यहाँ पर आना, वीडियो पर आना और यहाँ पर कैप्चर का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर देखना है, ठीक। तो इस कैप्चर वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है एक बार यहाँ पर कैप्चर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना, ठीक। और यहाँ पर दिखा होगा कैप्चर एंड सेव, तो इस कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कर देना, ठीक। यहाँ पर जो थंबनेल भी आपका बनकर यहाँ पर तैयारी होगा, ठीक। और इसमें कैटेगरी क्या रखना है तो अभी मैं बता दूंगा, इसमें कैटेगरी आपको देखना है जो भी, क्योंकि गेमिंग मतलब ही देखते हैं, जब बच्चे देखते हैं उसको देखने में बहुत मजा आता है, ठीक। तो इससे आप समझ गए कि इसमें कैटेगरी क्या होगा, तो इसमें इंटरटेनमेंट अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना, ठीक। इंटरटेनमेंट इसका कैटेगरी क्या सेलेक्ट करना, तो इंटरटेनमेंट इसका कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, ठीक। उसके बाद जो इस जब यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करना है तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते समय यहाँ पर दो ऑप्शन देता है, ठीक, यस फेड यस मोड, फिर यहाँ पर लिखा होता है फोर मेड काइट लिखा होगा, तो यहाँ पर क्या करना है जो एक होता है नो मेड फोर काइट्स लिखा हुआ, ठीक। तो उस समय क्या करना है कि आपको यस मेड फोर काइट्स लिखा होगा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन उस पर क्लिक करना है, क्योंकि जो गेमिंग जो होता है अधिक बच्चे लोग देखना पसंद करते हैं, छोटे छोटे ये वीडियो जैसे बी ट्रक ये सबका वीडियो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं अधिक, इस जो बड़े पब्लिक जो होते हैं जो 18 साल से ऊपर जो जिनका एज होता है वो नहीं देखते, वीडियो अलग अलग का वीडियो देखते हैं, ठीक। तो उस समय क्या करना सेलेक्ट है यस मेड फोर काइट्स पर सेलेक्ट करना, ठीक। उसके बाद इसे अपलोड करना, ठीक, क्योंकि जब बच्चे लोग पर सेलेक्ट करने के तो वीडियो बच्चे लोग पर जाता है और बच्चे लोग का वीडियो देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं आप देखते होंगे कितना मिलियन में व्यूज रहता है, कितना उनका सब्सक्राइबर रहता है, ठीक। तो इसी तरह आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक, यूट्यूब पर, ठीक। तो इस तरह आपको एडिटिंग करके और उसके बाद यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा एरो का ऑप्शन, यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और आपका जितना आप डाउनलोड करते हैं वहाँ पर यहाँ सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक। उसके बाद इसे YouTube पर अपलोड कर देना है। तो इस तरह आपको YouTube पर अपलोड करके महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हो कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।